लोग ये मोटर के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो ये इमेज है उसका, ठीक है। तो कल मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। आज आज लाइट नहीं कट रहा है, तो आज मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कल आपको कटा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। इसमें हम लोग देखे थे कि मोटर क्या होता है, वो एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। तो इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्यों आता है, क्योंकि इसमें सीमेंट रहता है, तो उस सीमेंट की वजह से इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। तो इस पे बाइंडिंग मटेरियल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ फाइन एग्रीगेट्स, पानी और कुछ और मिला के इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर वो पेस्ट की फॉर्म में है तो ये आपका मोटर होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखे थे कि मोटर का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो मोटर का फंक्शन हम देखे थे, ब्रिक्स या स्टोन्स को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये होमोजीनियस मास स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए, वो दीवार को वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कंक्रीट में भी मोटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ब्रिक्स ईंटे से जो दीवार बनते हैं, उसके अगर बीच में कुछ गैप है, तो इस गैप को फुल करने के लिए भी हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस था। उसके बाद मैं आपको क्या कर दिखाया था कि मोटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मोटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं आपको वो दिखाया था। इसमें मैं आपको पहला क्या बताया था, ये वाला इमेज आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन में आ गया होगा। तो इस इमेज में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बालू लूँगा, या सॉरी रेत लूँगा, ठीक है, सैंड लूँगा, ड्राई सैंड, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीमेंट लूँगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करूँगा, मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। तो ये दूसरा इमेज और ये तीसरा इमेज, तो इन दोनों में वो लोग क्या कर रहे हैं कि मिक्सिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कि हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राई सैंड लेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपका पहला इमेज दिख रहा है, ये आपका क्या है, ड्राई सैंड है, ठीक है। तो मेरा वीडियो शायद लेट आ रहा होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन आवाज़ तो आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है, ये आपका क्या है, ड्राई सैंड है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक ड्राई सैंड और सीमेंट दोनों के लेके इन दोनों को क्या करूँगा, मैं मिक्स करूँगा। मैं ये इशू आपको बताया हूँ, लेकिन फिर से बताऊँगा, ठीक है। तो ड्राई सैंड और सीमेंट को मैं मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद ये दूसरा और तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, वही कर रहे हैं, मिक्सिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ ये है कि आपको ड्राई सैंड लेना है, सैंड में कोई गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स होने के बाद आप ये चौथा इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में सैंड सीमेंट का कलर अलग होता है, सैंड का कलर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे चौथे में देखिए मिक्स इतना अच्छा मिक्स किया है कि यहाँ पे दोनों एक ही कलर के होंगे, ठीक है। तो दोनों एक ही कलर होने के बाद बीच में क्या करेंगे, थोड़ा तो छेद करके इसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा थोड़ा गैप बना के उस गैप में हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे। और पानी के साथ साथ आप चाहिए तो प्लास्टराइजर भी मिला सकते हैं, ताकि अच्छा से बन जाए, ठीक है। या पानी भी सिर्फ पानी मिला के भी कर सकते हैं। तो पानी से मिलाने के बाद हमारा क्या होगा, ऐसा एक पेस्ट बनेगा, ठीक है। तो इसी पेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेशियो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रेशियो बता रहा था इस स्लाइड में। तो रेशियो में क्या होता है कि देखिए, तो यहाँ पे रेशियो में हमारा रेशियो क्या होता है, 4:1 का रेशियो होता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, चार सैंड लेंगे तो ये एक सीमेंट लेंगे, ठीक है। तो 4:1 रेशियो होगा। मतलब अगर मैं 400 ग्राम का सैंड लूँगा, तो ये 100 ग्राम का मैं क्या लूँगा, सीमेंट लूँगा, ठीक है। मेरा जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:1 का रेशियो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मेजर्स का अगर हम लोग सैंड लेंगे, तो ये 1 मेजर का हम लोग क्या लेंगे, सीमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको चाहिए, तो फिर से हम लोग 4 मेजर का सैंड और 1 मेजर का सीमेंट, ऐसा हम लोग क्या करेंगे, मिलाते जाएंगे, ठीक है। या आप अगर आप एक ही बार में मिलाना चाहते हैं, तो 20 मेजर ऑफ सैंड लो और 5 मेजर ऑफ सीमेंट लो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नीचे जो आ रहा था, उसमें आप देख सकते हैं 20 मेजर ऑफ सैंड और 5 मेजर ऑफ सीमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास दो अलग अलग सीमेंट है, एक आपका क्लीन, क्योंकि अभी मैं इसमें जो रेशियो बताया था, ये मैं क्लीन सीमेंट के लिए बताया था, ठीक है। तो अगर आपके पास क्लीन सैंड के लिए, मतलब आपके सैंड में कोई इम्प्यूरिटीज नहीं है, वो प्योर सैंड है, तो तब आपका रेशियो 4:1 या 20:5 हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्यू सैंड के साथ साथ कुछ और आप मिलाना चाहते हैं, थोड़ा पत्थर वाला सैंड रहता है वो मिलाना चाहते हैं, तो वो तब आप क्या करेंगे, वो जो 4 रेशियो का जो सैंड है ना, उसको आधा आधा कर सकते हैं।
मतलब आप 2:2:1 रेशो मिला सकते हैं, तो 2:2:1, ठीक है, तो ऐसा मिला सकते हैं। मतलब मान लो 200 ग्राम का मैं एक सैंड लूँगा, 200 ग्राम का कुछ अलग सैंड लूँगा, उसके बाद 100 ग्राम का मैं सीमेंट लूँगा, ऐसा भी आप लोग क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मोटर कैसे बनाते हैं उसका मैं पिछले कल का क्लास में मैं प्रिपरेशन बताया था, तो वो मैं कुछ आपको रेशियोज भी बताया था कि कुछ अलग अलग रेशियोज हो सकते हैं। प्लास्टिंग के लिए आपका मोटर का रेशियो अलग का होता है, फ्लोरिंग के लिए अलग होता है, सीलिंग के लिए अलग होता है, तो घर में आप क्या बना रहे हो उसके हिसाब से रेशियो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं कल आपको रेशियो दिखाया था, ठीक है, आज भी अगर चाहे तो मैं अभी क्लास के लास्ट में आपको फिर से वो लिंक में रेशियो दिखा दूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को आज क्या देखना है कि कितने टाइप्स ऑफ मोटर होते हैं। अभी मैं आपको जो समझाया था वो सीमेंट वाला मोटर है, ठीक है, मतलब इसमें जो पेस्ट बनाएंगे उस पेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट सैंड और उस उन दोनों को पहले मिलाने के बाद हम लोग क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो अभी जो ये पहला टाइप मैं आपको अभी तक जो बताया था वो आपका पहला टाइप था, तो आपके सिलेबस में भी आपको पहला टाइप ही जानना है, सीमेंट मोटर कैसे बनाते हैं आपको वही जानना है, लेकिन और भी क्या क्या टाइप्स होते हैं वो भी आपको जानना थोड़ा यूजफुल होगा। तो अभी तक मैं आपको जो समझाया था वो आपका सीमेंट मोटर था, ठीक है, सीमेंट मोटर में सीमेंट सैंड और पानी मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ और आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैं बना दिया हूँ, मैं पेस्ट बनाया हूँ ये वाला, तो इसको बनाने के आधे घंटे में हमको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अगर आप आधे घंटे में, यहाँ पे लिखा हूँ हाफ एन आवर, ठीक है, अगर आप इसको हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो बाद में वो क्या हो जाएगा, वो पेस्ट जैसा नहीं रहेगा, वो हार्ड हो जाता है, तो इसलिए मिलाने के आधे घंटे में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप उसको पेस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये वाला सीमेंट मोटर हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इंजीनियरिंग वर्क्स में, या जहाँ जहाँ हमको हाई स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या घर का जो फाउंडेशन नीचे पिलर बनते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, या घर का फ्लोरिंग में, इन सारे और प्लास्टिंग में, और बहुत सारी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सीमेंट मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका सीमेंट मोटर का है, तो फाउंडेशन में, फ्लोरिंग में, या इंजीनियरिंग में जहाँ जहाँ ज़्यादा लोड रहे, अगर ज़्यादा भारी चीज़ को झेलने वाला दीवार बनाना है तो वहाँ पे भी आप सीमेंट मोटर को यूज़ कर सकते हैं उन दीवारों में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दीवार सीमेंट मोटर का बनेगा, लेकिन उसमें सीमेंट मोटर यूज़ कर सकते हैं, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका मिलने के बाद ऐसा दिखता है सीमेंट मोटर। ठीक है, उसके बाद आपका एक और कौन सा मोटर होता है सीमेंट के अलावा, और क्या क्या किस किस से हम पेस्ट बना सकते हैं, तो आपका जो दूसरा है वो आपका क्या है, लाइम मोटर है। ठीक है, तो ये जो आपका दूसरा है ये आपका दूसरा मोटर है, जो हमारा क्या होता है, लाइन मोटर होता है। ठीक है, तो इसको हम इसमें इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग लाइम लेते हैं, लाइन एक वो पत्थर पत्थर भी वो एक अलग मटेरियल होता है, तो हम लोग लाइम लेंगे और सैंड लेंगे, सैंड या सुरकी, सुरकी क्या होता है वो आपको बात बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीमेंट के जगह मैं यहाँ पे लाइम और सैंड को मिलाया हूँ, उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, पानी मिलाऊंगा, तो जब जो पेस्ट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम मोटर बोलते हैं। ठीक है, लाइम के जगह आप लोग क्या, सैंड के जगह आप लोग क्या मिला सकते हो, इसमें सुरकी भी मिला सकते हो। ठीक है, सुरकी क्या होता है, सुरकी क्या होता है, कभी देखे हो कोई सुरकी क्या होता है, वो बड़ा ही नहीं आ रहा यार, सर? पाउडर का मिक्सर होता है सर, किसका, मतलब सर ईंटों के पाउडर का मिक्सर होता है। ईट वही दिखा रहा हूँ ना, इसलिए देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आएगा, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, आपके जो ईंटे रहते हैं ना उनको जब पाउडर करेंगे तो वो जो पाउडर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुरकी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिक पाउडर, ठीक है, तो कई कई जगह क्या कर सकते हैं, ब्रिक पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं सैंड के जगह। ठीक है, अगर आपके पास ईंटें ज़्यादा है तो ईंटों को पेस्ट बना पाउडर बना के उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको दिखा दिया हूँ, अब मैं फिर से अपना वाले में घुसूंगा। ठीक है, तो मैं लाइम मोटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सीमेंट मोटर में भी ये चीज़ कर सकते हो, सैंड के जगह आप लोग वहाँ पे भी सुरकी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग सैंड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और लाइम मोटर में भी अगर आप लाइम मोटर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीमेंट की जगह थी सीमेंट की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, और सैंड यूज़ करेंगे, और आपको सैंड नहीं है तो आप सैंड की जगह सुरकी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है जो लाइम और सुरकी, ठीक है,
लाइम और सुरखी जो भी होता है इसको जाके लाइम सुरखी यूज़ कर रहे हो या लाइम सैंड यूज़ कर रहे हो तो इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल इक्वल होता है। मतलब अगर आप 1 किलो का मोर्टर बनाना चाहते हो तो आप 500 ग्राम लाइम और 500 ग्राम सुरखी या 500 ग्राम लाइम या 500 ग्राम सोडा ऐसा ले सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दम ये क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा मजबूत होते सीमेंट मोर्टार से। ठीक है, अगर आपको सीमेंट मोर्टार से भी ज़्यादा मजबूती चाहिए तो इनका जो स्ट्रेंथ होता है, ये जो लाइम मोर्टार का जो स्ट्रेंथ होता है, ये सुरखी ये आपका सीमेंट मोर्टार से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा होता है और ये थोड़ा वाटर टाइट भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, इसके बाद एक और चीज़ क्या है कि इनको आप अंडरग्राउंड वर्क्स में, जब अंडरग्राउंड में कोई बनाना है, ठीक है, अंडरग्राउंड के नीचे कुछ बनाना है, तो उसमें आप लोग ये लाइम मोर्टार को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ख़राब कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए हम इसको अंडरग्राउंड में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो भी बनाएंगे उस, आप चाहिए तो उसको लाइम मोर्टार से बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए सीमेंट मोर्टार से भी, तो लाइम मोर्टार आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो वो। ठीक है, तो ये आपका लाइम मोर्टार है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये जो वाइट वाला पाउडर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। और ये जो बगल में जो है, ये आपका सैंड या सुरखी, सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपका सैंड या सुरखी होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दूसरा टाइप है लाइम मोर्टार। ठीक है, तो पहला वाले और दूसरे में फ़र्क क्या है, पहले वाले में हम सीमेंट और सैंड यूज करते हैं, दूसरे वाले में सीमेंट की जगह सुरखी यूज़ करेंगे, मतलब ब्रिक का पाउडर। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा टाइप में जाएंगे। तीसरा टाइप क्या है आपका, फायर रेसिस्टेंस मोटर। ठीक है, अब ये फायर रेसिस्टेंस मोटर क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको, मैं जब ब्रिक्स पढ़ा रहा था उसमें आपको एक ब्रिक पढ़ाया था फायर ब्रिक। ठीक है, तो आपको एक ब्रिक पढ़ाया था फायर ब्रिक। ठीक है, तो ये फायर ब्रिक जो होता है, ठीक है, फायर ब्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो पेस्ट बनेगा इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अल्यूमिनियम सीमेंट, वो एक सीमेंट का टाइप होता है, अल्यूमिनियम सीमेंट यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग क्या मिलाएंगे, फायर ब्रिक जो होता है उसका, उसको अच्छे से पेस्ट पाउडर बना के उसको इसमें मिलाएंगे, उसके बाद पानी तो मिलाना ही मिलाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फायर ब्रिक यूज़ करेंगे, फायर ब्रिक के साथ साथ फायर ब्रिक का पाउडर और अल्यूमिनियम सीमेंट, इन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद इसमें हम लोग पाउडर पानी में मिलाएंगे, तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शन जो होगा 1:2 होगा, मतलब आपका अल्यूमिनियम सीमेंट 100 ग्राम लेंगे तो आपका जो फायर ब्रिक का पाउडर रहता है वो 200 ग्राम लेंगे, 100 ग्राम और 200 ग्राम 1:2 रेशियो में लेंगे। ठीक है, ये हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ फर्नेसेस है, जहाँ पे अवन है, जहाँ जहाँ आग से काम होता है, फायर से जहाँ जहाँ काम होता है, यहाँ पे आपको लिखा हूँ फायर प्लेसेस, तो जहाँ जहाँ फायर से काम होता है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फायर ब्रिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम फायर रेसिस्टेंस मोर्टार है। फायर रेसिस्टेंस मोर्टार क्यों नाम रखे, क्योंकि ये आग को आराम से रेसिस्ट, मतलब झेल लेते हैं। ठीक है, तो फायर रेसिस्टेंस मोर्टार किस किस से बनता है, आपका सीमेंट और फायर ब्रिक का पाउडर, इन दोनों को मिलाएंगे और रेशियो क्या होगा, 1:2। अगर 100 ग्राम का सीमेंट है तो 200 ग्राम का आपका फायर ब्रिक का पाउडर होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे आपका एक और मोटर क्या है, मड मोटर, मतलब मड, मतलब इसमें मड होगा। ठीक है, तो ये पेस्ट जो होता है, क्लेई सॉइल प्लस वाटर, मड और सॉइल वाटर दोनों मिला के बनाते हैं। ठीक है, और जो मड यूज़ करते हैं, मड आपको पता होगा ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मड को, कीचड़, हाँ वही, गर्रा बोलते हैं। हाँ ठीक है, गर्रा, कीचड़, ठीक है, तो उसे आपको गणेश जी का वो मूर्तियाँ भी बनते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोग बनाए होंगे, अभी भी बना होंगे गांव में, क्ले, उसको क्लेई सॉइल बोलते हैं, वैसा थोड़ा की उसमें उसको हम लोग थोड़ा पानी मिला के उसको सॉइल को, क्लेई सॉइल होता है, उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे तो वो थोड़ा पेस्ट ऐसा बनता है। ठीक है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, जो हम लोग सॉइल लेते हैं क्लेई सॉइल, उसमें ग्रास, मतलब घास नहीं होना चाहिए या छोटे छोटे पत्थर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा प्योर होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों, सीमेंट मोटर पड़े हैं, लाइम मोटर पड़े हैं, उसके बाद फायर रेसिस्टेंस मोटर पड़े हैं,
तो इसमें क्यों आए? अगर आपको सबसे सस्ते में कोई मोटर बनाना है तो वो यही है, क्योंकि आपको क्ले मिल जाएगा आराम से, उसमें पानी मिला के बना लो। लेकिन ये, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है सबसे कम होता है। ये सबसे चीप है लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, ये नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ का ब्रिक का काम होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, और गाँव में ज़्यादा यूज़ करते क्ले ही सॉल्ट। ठीक है, अब तो गाँव में भी सीमेंट मोर्टार ये सब यूज़ कर रहे हैं, पहले की बात है, पहले की बात में गाँव में क्ले ही सॉइल से भी बनते थे घर। ठीक है, कोई देख रहे होंगे वो, ठीक है, तो ऐसा होता है, ये देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद गेज मोटर। ठीक है, गेज मोटर क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका जो मिक्सर होता है ये किस किस से बनता है, आपका सीमेंट, आपका लाइम, ठीक है, आउ सैंड और वाटर, सबको मिला के बनाते हैं भाई। सीमेंट मोटर में सीमेंट का यूज़ किए थे, लाइम मोटर में लाइम का यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों को यूज़ करेंगे, सीमेंट, लाइम, सैंड और वाटर, सब मिला जुला के हम लोग जो बनाएंगे मोटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज मोटर बोलते हैं, गेज मोटर। ठीक है, गेज मोटर बोलते हैं। द प्रोसेस, इसमें प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस क्यों किए, सीमेंट और लाइम को क्यों यूज़ किए, क्योंकि इसका जो क्वालिटी होता है उसको हम लोग इम्प्रूव करने के लिए उसको गेजिंग बोलते हैं। ऐसा सीमेंट और लाइम मिला के उसका क्वालिटी अगर हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसको गेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो गेजिंग बोलते हैं, और एक मोटर बना रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सीमेंट और लाइम को मिला रहा हूँ क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, तो वो सीमेंट और लाइम को मिलाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गेजिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस से जो बन रहा है हमारा वो क्या बन रहा है, मोटर बन रहा है, तो यह आपका क्या होगा, गेज मोटर होगा। ठीक है, तो अब इसका रेशियो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को कौन सा रेशियो देखना है, कितना सीमेंट मिलाना है, कितना लाइम मिलाना है। ठीक है, तो सीमेंट और लाइम का जो रेशियो होगा 1:6 हो सकता है, या 1:6, 1:7, 1:8 या 1:9। तो इतना 1:6 से लेके 1:9 का रेशियो में हम लोग सीमेंट और लाइम का मिक्सर मिला सकते हैं, बाकी आपका सैंड और वाटर आप अपना अंदाजा से लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सीमेंट और लाइम इसमें मिला हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और थोड़ा प्राइस भी कम होगा। ठीक है, सीमेंट का थोड़ा दाम ज़्यादा है, लाइम का कम है, तो दोनों मिला के दाम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, गेज मोटर है। ठीक, उसके बाद एक और हमारा क्या है, सुरकी मोटर। सुरकी मोटर क्या होता है, सुरकी मोटर हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि यहाँ पे देखिए, मैं पिछली बार आपको बताया था ना लाइम, और देखिए लाइम मोटर बताया था। ठीक है, तो लाइम मोटर में मैं क्या बताया था कि लाइम प्लस सैंड यूज़ कर सकते, वो थोड़ा पता नहीं ये वाला प्रेजेंटेशन में वो मेरा पेन जो है वो थोड़ा ऊपर खिसक जा रहा है अपने आप ही, वो पता नहीं क्यों हो रहा है, सिर्फ इसी स्लाइड इसी पीपीटी में हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लाइम मोटर में हमारा क्या होगा, लाइम प्लस सैंड यूज़ करेंगे, तो वो जो बनेगा वो हमारा लाइम मोटर करेंगे। ठीक है, लाइम सैंड प्लस वाटर। ठीक है, अगर मेरा मैं अगर लाइम प्लस सुरकी मतलब आपका ईटे का पाउडर प्लस वाटर यूज़ करूँगा, तब जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सुरकी मोटर। अगर स्पेशली उसको बोलना है तो स्पेशली आप उसको क्या बोल सकते हैं, सुरकी मोटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, सुरकी मोटर में आधा सैंड और आधा सुरकी भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और आपका जो ईटे का पाउडर होता है वो सीमेंट से कंपेयर करेंगे थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो ये लाइम, सुरकी और वाटर तीनों को मिला के बनाएंगे तो उसको सुरकी मोटर स्पेशली बोल सकते हैं, या उसको लाइम मोटर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कभी लाइम मोटर और सुरकी मोटर दोनों आएंगे तो लाइम मोटर आपका लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर लिख सकते हो, और सुरकी मोटर के लिए आप सुरकी प्लस लाइम प्लस वाटर मतलब सैंड की जगह सुरकी यूज़ कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सुरकी मोटर ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक और मोटर है, वो आपका क्या है, जिप्सम मोटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम नाम का एक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, वो एक प्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो एक प्लास्टर प्लस सॉफ्ट सैंड दोनों को यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम मोटर बोलते हैं। ठीक है,
तो ये इजिप्ट में जो बने हैं ना वो सब किस मोर्टार से बने थे? वो ना तो सीमेंट, ना तो लाइम, ना तो सुरकी, इन सब से नहीं बने थे। वो जो बने थे वो किससे बने थे? जिप्सम मोर्टार से बने। तो जितने भी आपके इजिप्ट में पुराने पिरामिड्स जो भी मिलेंगे इजिप्ट में, उनमें जो मोर्टार होगा वो शायद जिप्सम से ही बना होगा, ठीक है? क्योंकि ये इजिप्ट में जितने भी पुराने एशियन स्ट्रक्चर्स है वो सब जिप्सम से बने थे, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पिरामिड लिखा हूँ, ठीक है? पिरामिड्स को भी जिप्सम से बनाए थे। पिरामिड्स में जो ईंटें लगाए थे उन ईंटों के बीच में जिप्सम लगाया गया था। तो जिप्सम मोर्टार क्या होता है कि, लेकिन जिप्सम मोर्टार का ड्यूरेबिलिटी थोड़ा कम होता है, ज़्यादा साल नहीं चलता, लेकिन पता नहीं कैसे पिरामिड अभी तक चल रहा है, ठीक है? तो अगला आपका क्या है कि अगला आपको क्या देखना है, क्यूरिंग क्या होता है, आपको ये चीज़ देखना है, ठीक है? तो मान लो मैं सीमेंट मोर्टार बना दिया हूँ, ठीक है? तो अब इसमें क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग कैसे होता है, हमको ये चीज़ देखना है, ठीक है? तो क्यूरिंग क्या होता है, देखिए, अब मैं घर बना देता हूँ, ईंटे का घर बनाया हूँ, ईंटों के बीच में मैं सीमेंट मोर्टार यूज़ किया हूँ, ठीक है? तो ईंटे अच्छे से बाइंड होगी, लेकिन इनको स्ट्रेंथ कब मिलेगा? क्योंकि एक चीज़ देखिए, सीमेंट है इसमें, सीमेंट मोर्टार में आपके सबसे ज़्यादा क्या होगा, सीमेंट होगा, ठीक है? सीमेंट मोर्टार में आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, सीमेंट हो, ठीक, सबसे ज़्यादा नहीं, उसमें सीमेंट होता है, क्योंकि सैंड का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, सैंड का पानी लगो या नहीं लगो उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो सीमेंट होता है, सीमेंट का क्या होता है, जब आपका सीमेंट को आप हाइड्रेशन करते हो, मतलब हर रोज पानी देते हो सीमेंट को, तो आपका सीमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ आ जाता है सीमेंट में। तो सीमेंट को स्ट्रेंथ आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेशन, मतलब पानी देना पड़ेगा, ठीक है? तो सीमेंट में हाइड्रेशन होगा तभी पानी स्ट्रेंथ आएगा। तो इसलिए हमारा जो मोटर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पानी देते रहते हैं ताकि इसमें हाइड्रेशन हो, ठीक है? तो हम लोग क्या किए, मोटर बना दिए, मोटर या मोटर का बिल्डिंग बना दिए, तो उसको हर रोज पानी देते हैं ताकि सीमेंट में हाइड्रेशन हो। तो ये जो हर रोज पानी देने वाला जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है? और ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट में सफिशियंट मॉइस्चर आ गए, और सीमेंट में जब अपना मॉइस्चर आएगा तो सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ईंटे का दीवार बनाया हूँ, दीवार के बीच में मोटर लगा है, तो इसको हर रोज पानी देने से इसमें मॉइस्चर आएगा और इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो वो जो पानी देने वाला प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप देख सकते हैं, जो भी घर बनाते हैं तो उसको तुरंत प्लास्टिक नहीं करते, पहले कुछ दिन तक जो घर उसका जो दीवार दीवार होते हैं उनको पानी, पाइप से पानी मारते हैं उनके ऊपर, ठीक है? तो ये पाइप से पानी जो मारेंगे उसके ऊपर, स्प्रेइंग ऑफ वाटर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है? तो क्यूरिंग क्या होता है कि वो बनाने के 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के बाद क्यूरिंग स्टार्ट होता है, ठीक है? तो बनाने के 6 घंटे के बाद पानी देना आप शुरू कर सकते हैं, या 24 घंटे के बाद भी आप पानी देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्यों स्टार्टिंग में जब आपका दीवार बनता है जिसमें हम लोग सीमेंट मोर्टार यूज किए हो, तो स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा पानी देना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा हाइड्रेशन होने के लिए स्टार्टिंग जो आप ज़्यादा पानी होता है, सीमेंट मोर्टार के लिए आप देख सकते हो, आपको मैं क्या बता रहा था, जो सीमेंट होता है सीमेंट को हाइड्रेशन, मतलब पानी चाहिए होता है अपना स्ट्रेंथ के लिए। तो इसलिए अगर हम सीमेंट का मोर्टार यूज कर रहे हैं दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, तो उस मोर्टार में मोर्टार में सीमेंट है, तो उस सीमेंट को हाइड्रेशन करवाना है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी दीवार, मान लो कोई मैं दीवार बनाया हूँ, ठीक है, ब्रिक, कोई वॉल बनाया हूँ, तो वॉल में मैं ईंटे से बनवाया हूँ, ठीक है? तो तुरंत उसको ख़त्म नहीं होता, ठीक है? तो क्या होता है, वॉल बनाने के 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के बाद, क्योंकि वॉल के अंदर दो ब्रिक्स के बीच में सीमेंट मोर्टार है, और सीमेंट मोर्टार में सीमेंट है, ठीक है? तो इस सीमेंट को पानी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी स्प्रे करते हैं। तो ये जो पानी स्प्रे करने वाला प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर सीमेंट मोर्टार है, तो सीमेंट मोर्टार के लिए जो क्यूरिंग होगा, मतलब पानी देने वाला प्रोसेस जो होता है, वो कितने दिन पानी देना पड़ता है हम लोगों को, रिकमेंडेड क्या होता है, 7 दिन। अगर आप सीमेंट मोर्टार से ईंटों का बनवाया हो दीवार, और उसमें सीमेंट मोर्टार यूज़ किया गया है, तो उस दीवार को कितने दिन पानी देना पड़ता है, कम से कम 7 दिन। अगर आप 7 दिन देंगे हर रोज़ पानी, तो उस पानी की वजह से वो पानी क्या होता है, आपका ईंटों के बीच में जो सीमेंट मोर्टार है उसमें जो सीमेंट है, उस सीमेंट पे हाइड्रेशन लाएगा, और सीमेंट का क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जो देखे थे क्यूरिंग के बारे में देखे थे, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज में आपको वीडियो में कुछ देखना है नहीं, ठीक है, तो सुन लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, अगर हम सीमेंट को बहुत इवनली मतलब सीधा सीधा अच्छे से ले करेंगे तो हमारा जो सरफेस होगा वो बहुत इवनली दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि सीमेंट और सैंड को मैं आपको पहले ही बोला था, ड्राई सीमेंट और ड्राई सैंड, पानी नहीं रहना चाहिए दोनों में, इनको अच्छे से मिलाने के बाद हमको पानी मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा पानी मिलाने से क्या होता है कि जब उस समय पानी क्यों मिलाते हैं, पानी इसलिए मिलाते हैं कि जब हम लोग सीमेंट और सैंड को अच्छे से मिलाने के बाद जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो उस मिक्सर में क्या होता है, सीमेंट में हाइड्रेशन होता है। अभी आपको बताया था हाइड्रेशन होना चाहिए सीमेंट में, ताकि सीमेंट में जब हाइड्रेशन होगा तो सीमेंट आपको स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो जब सीमेंट में हाइड्रेशन होगा तो सीमेंट क्या करेगा, उसी स्ट्रेंथ के साथ आपका जो ब्रिक्स के बीच में अगर जब ये आप ये पेस्ट को डालेंगे तो वो उसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छा मोटर बनाना है, मतलब पेस्ट बहुत अच्छा बनाना चाहिए जो बहुत अच्छे से बाइंड करे दो ईंटों को, क्योंकि पेस्ट दो ईंटों के बीच में डालते हो ना, तो अगर दो ईंटों को बहुत अच्छे से उसको बाइंड करके रखना है तो आप जो रेशियो होगा सीमेंट और इसका वो 1:3 के ऊपर ही लीजिए। मतलब अगर 100 ग्राम सीमेंट लूँगा तो 4 ग्राम सैंड, या 100 ग्राम सीमेंट लूँगा 300 ग्राम, उससे कम नहीं। 100 ग्राम सीमेंट लेके 200 ग्राम का सैंड लेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आपका अच्छा बनना है तो आपको मिनिमम 100 ग्राम लेंगे तो 300 ग्राम का सैंड लेना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं सीमेंट मोटर का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद यूजेस देखिए कहाँ का यूज होता है, आप सबको पता ही है यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। पहला हम लोग इसको दो ईंटों दो ब्रिक्स या दो ईंटों को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो पहला यूज़ है। उसके बाद दूसरा हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं कि घर के जो दीवार के ऊपर जो प्लास्टरिंग करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, या घर का जो ऊपर स्लैब होता है, मतलब छत ऊपर जो स्लैब होता है जिसमें आपका फ़ैन टंगा रहता है, वो स्लैब को स्लैब बनाने में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कई सीमेंट का काम हो रहा है या कई स्टोन का काम हो रहा है तो उनमें बीच में फिलिंग की जगह खाली है, तो उस खाली को फिल करने के लिए भी हम लोग सीमेंट मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो मैं कोई दीवार बनाया हूँ और मान लो कुछ हुआ और दीवार में थोड़ा क्रैक आ गया, तो दीवार में जो क्रैक आएगा उस क्रैक को कवर करने के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, सीमेंट मोटर का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या बताया था, ब्रिक्स दीवार बनाते समय दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते। दूसरा क्या बताया था कि हम जब दीवार बनाते दीवार के ऊपर प्लास्टरिंग करने के लिए या हमारा जो ऊपर स्लैब रहता है छत उसको बनाने के लिए सीमेंट मोटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कई सीमेंट के साथ स्टोन के साथ काम कर रहे हैं, मान लो बीच में कहीं खाली आ गया तो उसको फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चौथा क्या है, चौथे में हम लोग कई मान लो मैं दीवार बना दिया हूँ और गलती से कुछ क्रैक आ गया दीवार में, बहुत साल हो गया तो दीवार में क्रैक आ गया, तो उस क्रैक को फिल करने के लिए मैं सीमेंट मोटर से उस क्रैक को फिल कर सकता हूँ। ठीक है, और सीमेंट मोटर देखिए, अगर मैं सिर्फ ईंटे का घर बनाऊँगा तो मेरा दीवार इतना अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन ईंटे का दीवार बनाने के बाद उसके ऊपर मैं अगर प्लास्टिंग करूँगा तो ये प्लास्टिंग क्या करेगा, एक अच्छा लुक भी देगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सब क्या होते हैं, इसका यूजर्स होते हैं।